आप परिवर्तन नहीं चाहते? नहीं चाहते। बीजेपी टक्कर देने वाली है? नहीं, कभी भी नहीं। बंगाल के अवाम को अगर शर्म होगा तो तृणमूल छोड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज बंगाल में और खासकर हम कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पीछे विधानसभा भवन है, यहाँ पर एक जायजा लेने आए थे कि लोगों के मन में क्या है। आने वाले समय में चुनाव हैं, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, किसको वोट दिया जाएगा, इसी पर चर्चा आज होगी। मेरे संग काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक भाई साहब हैं यहाँ पर, पेपर पढ़ रहे हैं और अखबार में लिखा हुआ है तृणमूल का वादा, घर घर राशन, हर परिवार को आर्थिक अनुदान। यहाँ पर टीएमसी ने ये वादा कर दिया है कि घर घर राशन पहुँचाया जाएगा, आर्थिक मदद भी पहुँचाई जाएगी। क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल तो देख रहे हैं कि पहले बीजेपी बहुत जोर में ही थी, मगर अब देख रहे हैं कि तृणमूल अभी पूरा जोर में ही चल रहा है। मगर पहले तो हम सोचे भी थे कि बीजेपी आएगा, अब देखते हैं कि तृणमूल बहुत जोर में ही है। अब देखते क्या होता है इस वोट में, पता नहीं। एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि ममता बनर्जी ने कहा कि खेला होवे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि खेला नहीं होवे, राशन मिलेगा, आपको शिक्षा दी जाएगी, अस्पताल मिलेंगे, तो क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में? देखिए, जो राशन और ये शिक्षा की बात है, ये तो जब से ममता सरकार आई तब से दे रही है। गरीबों को राशन का हेल्प है, गरीबों को शिक्षा, जो यहाँ सीपीएम हुकूमत में ख़त्म हो गया था शिक्षा, वो शिक्षा ममता ने ला के फिर से शुरू किया है। और दूसरी बात, ये आपके मतलब ये हॉस्पिटलाइज लाइन, बहुत सारे काम है, काम अनगिनत की है ममता, बेतहाशा काम की है। क्योंकि अभी तक हमारा ये 56 ईयर्स क्रॉस कर गया है, हमने कोई चीफ मिनिस्टर को इतना काम करते नहीं देखा। मतलब आप दीदी से बहुत खुश हैं? हम खुश हैं, बेशक खुश है। आप परिवर्तन नहीं चाहते? नहीं चाहते, यहाँ तृणमूल होना चाहिए। अगर बंगाल के अवाम को शर्म होगा तो फिर से दोबारा तृणमूल को लाएगा। ये बंगाल के अवाम को अगर शर्म होगा तो तृणमूल छोड़ेगा नहीं, ये हमारा ख्याल है। बार बार ये अंदेशा जताया जा रहा था पहले से कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ने वाले हैं, और उसके बाद टीएमसी उन्होंने छोड़ भी दी, ममता बनर्जी ने उनको इतना सपोर्ट किया, तो आखिरकार कुछ ना कुछ वजह तो रही होंगी ना उनके सामने के सामने भी। ये सब लालची आदमी हैं, सत्ता के लालच में जगह बदलते हैं, सत्ता के लालच में कि हमको मिल जाएगा चीफ मिनिस्टर सीट, इसे कारण है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये भी जानेंगे कि अब बीजेपी सरकार यहाँ पर क्या कुछ हथकंडे अपना रही है, क्या कुछ व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है, लोगों को लुभाने का प्रयास किस तरीके से किया जा रहा है। बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर मुस्लिम लड़ाने का फैसला लिया है, मुस्लिम समाज के वो लोग हैं, तो यहाँ पर बीजेपी ऐसा कहा जा सकता है कि मुस्लिम कार्ड खेल रही है? हाँ, जब उनको सपोर्ट में होंगे तो जरूर करेंगे, ऐसा बात नहीं है जो नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बेशक मुस्लिम कार्ड चलाना चाह रही है आपके बीजेपी जो है, वो मुस्लिम कार्ड चलाना चाह रही है, इसलिए कि किसी तरीके से मुस्लिम वोट उनको मिले। पर मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला बंगाल के अंदर बीजेपी, ये 100% है, ये हमारा ख्याल बोलता है, ये हमारा ख्याल बोलता है। जैसा बात नहीं है जो उनके नहीं मिलेगा, लेकिन है, अगर ऊपर से वो बोल रहा है जो नहीं देंगे, लेकिन उसका अंदर का रूप में जो है, जो भीतर जो है, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है जो नहीं देंगे। चलिए ठीक है, लेकिन भाई साहब एक बात है कि ठीक है, भैंस अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन पश्चिम बंगाल में साइलेंट वोटर बहुत हैं बीजेपी के, जो मुंह पे तो कहते हैं कि टीएमसी को वोट देंगे, लेकिन पीठ पीछे वो बीजेपी को वोट दे देते हैं, तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति बहुत बनी हुई है, इस बारे में क्या ख्याल? देखिए, ये तो साइलेंट वोट वाली जो बात आपने बताई, इसको तो कोई नहीं समझ सकता, खुद कैंडिडेट को पता नहीं रहता, कैंडिडेट के आदमी जाकर के गलत जगह बटन दबा देते हैं, इसके लिए तो कोई कुछ बोला नहीं जा सकता, वो इंसान का अपना मत है। इसीलिए हमने बोला था कि बंगाल के अवाम को अगर शर्म होगा, जो चीफ मिनिस्टर ने काम करके दिया है ये 10 साल के अंदर, वैसा और कोई चीफ मिनिस्टर ना दिया है और ना कोई देगा। चलिए ठीक है, आपका अंदाजा है, लेकिन ऐसा क्या कुछ काम किया है ममता बनर्जी ने, जरा गिना दीजिए। अनगिनत काम की है पूरे कलकत्ता और पूरा बंगाल के अंदर, ब्यूटिशियन से लेकर के गरीबों को हेल्प, यही आपके सामने नज़र आ रहा। देखिए, ये स्वच्छता साथी, ये आज से नहीं कर रही, ये इलेक्शन आया तो नहीं कर रही, इससे पहले से इसका काम चल रहा है सब, तो ऐसी बात नहीं है। हम कोई पार्टी नहीं करते, हम एक ड्राइवर आदमी हैं, मगर कि काम को देखा है इतने ज़माने में, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए हमको सारा सब कुछ पता है, जितना काम की है, अनगिनत काम की, गिनाया नहीं जा सकता है,
इसलिए कि हमारा मत है कि आवाम को अगर जरा इंसान को इंसानियत रहेगा तो टीएमसी को वापस लाएगा बस। तो जिस तरीके से आपने सुना कि इंसानियत अगर यहाँ पर बची हुई है तो टीएमसी को वापस लाया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी बार बार यहाँ पर आने का प्रयास कर रही है और अलग अलग तरीके के बयान भी दिए जा रहे हैं कि टीएमसी को हटाना है और यहाँ पर बीजेपी अगर आती है तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, खासकर रोजगार पर ध्यान देने की बात बीजेपी कह रही है, इस बारे में क्या ख्याल? नहीं, सवाल से बचिए मत, सवाल से मत बचिए, चलिए बोलिए। ये जो वादा कर रहे हैं ना बीजेपी हुकूमत, ये तो बहुत सारा वादा यूपीआर बाहर में कर चुके हैं। कितने को नौकरी मिला है? ग्रेजुएशन लड़का को बोले पकौड़ा बेचो, ये तो नौकरी का सवाल ले दे, अरे यहाँ आके नौकरी देंगे, यहाँ तो उतना ग्रेजुएशन भी नहीं है तो कहाँ से मिलने वाला नौकरी? ये सब वादा है, वादा वादा खिलाफी करना पार्टियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी वक्त और लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, एक नौजवान है उनसे बात करेंगे। आप तो नौजवान लग रहे हैं, युवा है, टीएमसी से खुश है यहाँ पे? खुश तो है। परिवर्तन नहीं चाहते? नहीं, मतलब बीजेपी नहीं चाहते यहाँ पे? नहीं कभी नहीं। ऐसा क्यों? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बहुत आवाजी का तक बात करते हैं, मतलब सिर्फ फालतू बातें करते हैं, आपका ये कहना है? यस। ममता बनर्जी से, दीदी से बहुत खुश है, प्रसन्न है, काम यहाँ पे सब सही तरीके से कर रही है? वो सही है। आने वाले समय में चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि बीजेपी टक्कर देने वाली है? नहीं, कभी भी नहीं, नहीं दे पाएगी। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर बीजेपी टक्कर नहीं दे पाएगी टीएमसी को, क्योंकि यहाँ के लोग बार बार यही चीज़ दोहरा रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए टीएमसी को यहाँ पर जीतना है और हम लोग जिताएंगे, तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।